बरेली, हाथरस की पीड़ित मनीषा वाल्मीकि की बलात्कार व हत्या के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की बरेली इकाई द्वारा अपराधियों को जल्द से पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाला गया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा सीबीआई जांच व कोर्ट की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की। जिला संवाददाता कौशिक टंडन की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर नितिन सैनी व संवाददाता सिमरन अरोड़ा के साथ आप बीती जग बीती न्यूज के लिए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं सम्यक दृष्टि महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि हाथरस की बेटी के साथ ये इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी इतनी क्रूरता के साथ हत्या की गई है। और जब हम सरकार की आवाज़ को देखते हैं तो सरकार मतलब कहती है कि हिंदू है, हम हिंदुत्व का नारा देते हैं, यदि जब जहां पर बात होती है हिंदू मुस्लिम की उस समय जो है बहुजन समाज हिंदू बन जाता है, लेकिन इस समय बेटी को न्याय देने के लिए इन लोगों ने पक्षपात किया है। और क्या रात के मतलब यदि हिंदू समाज की रीत जो है वो ये कहती है कि सूरज छिपने के बाद अंत्येष्टि नहीं की जाती, हमारी बहन के साथ एक तो इतना क्रूरता का व्यवहार किया गया, उसकी जीव काट दी गई इसलिए कि वो अपने जो है बयान ना दे सके, अपनी सच्चाई बयान ना कर सके, लेकिन वहाँ का प्रशासन जो है वो ये बात कहता है कि नहीं ये बदले की भावना है। हम कहते हैं कि बदले की भावना भी होती है तो बेटी के साथ इतना मतलब दुर्व्यवहार व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको यदि पक्षपात लगता था या लड़ाई झगड़े की बात लगती थी तब भी मतलब ऐसा क्रूरता का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जब प्रशासन के पास बेटी न्याय मांगने के लिए गई, यदि वहाँ का प्रशासन उसी समय चेत जाता तो उसके हम कहते हैं कि जीव काट दी गई थी लेकिन उसकी जान तो बच सकती थी, और मतलब चिकित्सा सुविधा मिलती तो उसकी जान तो बच सकती थी और कुछ समय ट्रीटमेंट चलता, और जब उसकी मतलब माँ बाप के सामने उनका बच्चा नहीं जाता। दूसरा ये है कि आपने मतलब जब अदर कास्ट बड़े बड़े लोग करोड़पति लोग हैं उनको लिए आप जो है मतलब सेफ्टी के लिए पुलिस देते हैं, उनकी सुरक्षा कर्मी उनके लिए देते हैं, तो हम कहते हैं आप हमारे बहुजन समाज की बेटियों को घर घर में सुरक्षा नहीं देते, लेकिन उनकी आवाज को तो सुन सकते हो, उनकी आवाज पे आवाज क्यों नहीं से चेतते, उनकी FIR दर्ज नहीं की, आप प्रशासन समय से चेता नहीं, यदि प्रशासन समय से चेता तो हमारे बहुजन समाज की हम प्रशासन की नाकामी और सरकार की नाकामी, सरकार हमारी मांग ये है कि वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और उस समाज की जो हमारे जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है उनको 1 करोड़ की धनराशि दी जाए और वो परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दे, जिससे कि वो जो है और उससे जो है कि उनका जो है इस मतलब इतने बड़े हादसे से उभरने का थोड़ा सा हम और तो कुछ नहीं कर सकते, उनके परिवार को यही ढांढस बंधा सकते हैं और उनका परिवार जो है आगे सही से जीवन अपना निर्वाह कर सके, लेकिन जो ये मतलब इतनी बड़ी क्रूरता के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है उसकी हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। हमारा संगठन जो है पूरा पूरा उनके परिवार के साथ है और हम सरकार चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी हो, और जब आप फांसी हो फांसी आप जब सरकार फांसी हो फांसी